आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कृषि कानूनों पर सरकार बनाम किसान जंग में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों की मांगों पर सरकार ने लिखित प्रस्ताव दे दिया है। ये प्रस्ताव किसानों को मिल भी गया है और इस वक्त किसानों की दूसरे दौर की बैठक जारी है। सबसे बड़ी बात ये कि ये जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया है, इस प्रस्ताव में वो बदलाव किए गए हैं जिनकी किसान मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि किसानों को सरकार का प्रस्ताव जो दिया गया है उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी इंडिया टीवी के पास है और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उस प्रस्ताव की कॉपी देख रहे हैं जो सरकार की तरफ से किसानों को दी जा चुकी है और किसानों की दूसरे दौर की बैठक जारी है। किसानों को सरकार का प्रस्ताव जो दिया गया है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि जो ये प्रस्ताव दिया गया है इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, बिल के जिन प्रावधानों पर आपत्ति थी उस पर सरकार विचार करने को तैयार है। एमएसपी पर सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है, क्योंकि सबसे बड़ी मांग यही थी कि जो एमएसपी है, जो किसानों को लग रहा था नए कृषि कानून में हट जाएगा, उस पर लिखित आश्वासन की मांग किसानों ने की थी और सरकार इस बात के लिए, इस मांग के लिए तैयार है। सरकार ने अपने इस प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया है एमएसपी को लेकर, जो किसान मांग कर रहे थे, जो उनका लगातार जिसको लेकर उनका आंदोलन चल रहा था, वो लिखित रूप में दिया जाएगा। तो एमएसपी पर सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। उसके अलावा जो किसानों के मंडियों को लेकर मुद्दे हैं और सिविल कोर्ट जाने को लेकर जो मुद्दा था, उन सब पर भी चर्चा हुई है। निजी मंडियों पर भी एक समान टैक्स लगेगा। किसानों का जो सरकार ने प्रस्ताव भेजा है उसकी कॉपी तो आप देख ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो प्रस्ताव में चीजें मेंशन की गई हैं, अगर उसकी हम बात करें तो एमएसपी पर सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। इसके अलावा मंडियों का भी मुद्दा उठा था, राज्य सरकारों को रजिस्ट्रेशन के नियम बनाने का अधिकार दिया जाएगा, निजी मंडियों पर भी एक समान टैक्स लगेगा। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर किसान आंदोलनरत थे, प्रदर्शन कर रहे थे। अब जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया है, जो कॉपी उनके पास पहुंची है, एक उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरा वो बदलाव किए गए हैं, सरकार उन मांगों को मानने को तैयार हुई है। पहला, एमएसपी की को लेकर जो लगातार मांग उठ रही थी उसमें जो भी बदलाव की बातें की जा रही थी वो सरकार लिखित में देने को तैयार है। उसके अलावा मंडियों को लेकर भी बात कही गई थी, मंडियों में एक कर लगेगा, एक टैक्स लगेगा। और इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलनरत थे, तो उन सभी दुविधाओं का, समस्याओं का हल एक तरीके से कह सकते हैं कि इस प्रस्ताव में है। सरकार का प्रपोजल आने के बाद किसानों की मीटिंग होने वाली है। किसान नेताओं का कहना है कि पहले प्रपोजल को पूरा पढ़ा जाएगा, फिर इस पर चर्चा आगे की जाएगी और फिर किसान जो हैं, उनके जो नेता वहां पर मौजूद हैं, उनके द्वारा इस पर फैसला लिया जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर प्रपोजल आने के बाद जो किसान तस्वीरें दिखा रहे थे वो हमने आपको दिखाई। अभी इस प्रपोजल को हमने दिखा दिया, अभी इसको हम पढ़ेंगे आराम से, विस्तार से इसके ऊपर भी चर्चा होगी, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। अभी इसको देखेंगे, पढ़ के फिर इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। लगभग 20 अभी कुछ नहीं देखा, अभी तो हमारे हाथ में आया, तो यार आप सब मीडिया वालों को हमने दिखा दिया, अभी तुरंत विचार किया जाएगा, अभी इस पर तुरंत विचार किया जाएगा। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर चर्चा करेंगे, फिर इसके ऊपर कोई हमारा रिएक्ट होगा, कोई इस पर जो भी होगा वो फैसला फिर सुनाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आईजी साहब है, रंधावा साहब, वो आए हैं, तो प्रशासन की तरफ से आए हैं, सरकार ने खुद भेजे हैं और वो देने आए हैं। अभी उन्होंने सबके लिए कॉपियां लाए हैं, अब इस पे बैठकर चर्चा करेंगे और चर्चा होने के बाद ही कोई फैसला होगा। अभी तो हमने इसको पढ़ा नहीं है, आपको दिखा दिया, अभी हमको समय दीजिए, हम इसको पढ़ेंगे। तो सरकार ने जो प्रपोजल तैयार किया है, जो प्रस्ताव तैयार किया है, वो पहुंच चुका है किसानों तक और मेरे तीनों सहयोगी कुमार सोनू, मनीष कुमार, मनीष प्रसाद और देवेंद्र पराशर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। हम देख रहे हैं कि किसानों के पास वो प्रपोजल पहुंच चुका है, तो किसानों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है और क्या वो मीटिंग जिसका वो जिक्र कर रहे थे वो शुरू हो गई है?
देखिए, पहले सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये वो कार्यालय है जहां पर किसानों की बैठक हो रही है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके नेता बैठक कर रहे हैं। 40 लोगों को प्रपोजल ये सरकार की तरफ से भेजा गया है और 21 पन्नों का टोटल ये प्रपोजल है। फिलहाल आप जो किसान नेता हैं वो इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि किसानों का रुख साफ है, पहले हमारी जो प्रपोजल आया उससे पहले भी हमारी बात हुई थी तो किसान नेताओं का साफ ये कहना था कि संशोधन उन्हें मंजूर नहीं है और तीनों कानून वापस लेने की मांग पर वो अभी भी अड़े हुए हैं। फिलहाल अब आधिकारिक तौर पर जो सरकार का प्रपोजल है संशोधन को लेकर वो किसान नेताओं को मिल चुका है। 40 किसान नेताओं को नाम के साथ संबोधित करते हुए जो प्रपोजल भेजा गया है, 21 पन्नों का ये पूरा प्रपोजल है। अब उस पर डिस्कशन जो है किसान नेताओं का वो शुरू हो चुका है। मीटिंग के बाद जो किसान नेता है वो आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना रुख साफ करेंगे। फिलहाल आज की बैठक जो होनी थी वो हालांकि कैंसिल हो गई है क्योंकि सुबह 11 बजे तक प्रपोजल आने की बात हो रही थी, लेकिन तकरीबन 2:30 के आसपास जो है ये प्रपोजल किसान नेताओं को मिला है। फिलहाल अब इस पर जो सरकार का जो प्रपोजल है उस पर किसानों का मंथन शुरू हो चुका है, उस पर बातचीत चल रही है और बातचीत के बाद जो किसान है वो अपना रुख साफ करेंगे। जी मनीष, उधर मंथन शुरू हो चुका है लेकिन आपकी किसानों से क्या प्रपोजल को लेकर बात हुई है? क्योंकि कुछ किसान अभी भी इस बात पर अड़े हैं कि प्रपोजल नहीं, कृषि बिल को रद्द किया जाए। अब देवेंद्र का मैं रुख कर रही हूं इसी सवाल के साथ, मनीष आपके पास आऊंगी। जी अच्छा देवेंद्र, क्या प्रस्ताव में बातें कही गई हैं, क्या क्या वो मुद्दे हैं जिनको हाईलाइट किया गया है प्रस्ताव में? देखिए, इस प्रस्ताव को अगर हिस्सों में बांटे हैं तो इसमें तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि केंद्र सरकार जो खुद अमेंडमेंट कर सकती है जिन बातों को लेकर, उसका हिस्सा है। दूसरी चीज़ कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जो अधिकार दे सकती है वो हिस्सा है। और तीसरी चीज़ वो कि जिसमें किसानों को शंकाएँ हैं वो शंकाएँ निर्मूल हैं उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। सबसे पहले केंद्र सरकार के अमेंडमेंट की बात कर लें तो पहला महत्वपूर्ण अमेंडमेंट ये है कि जो किसान डिस्प्यूट की स्थिति में सिर्फ SDM के पास जाने के अधिकार के बजाय सिविल कोर्ट में जाने की कर रहे थे तो वहां पर केंद्र सरकार ने इस बात पर लिखित में सहमति जताई है कि इसके लिए वो अमेंडमेंट करने को तैयार है। दूसरी चीज की MSP को लेकर जो लिखित व्यवस्था थी, MSP को लेकर जो व्यवस्था है लिखित तौर पर सरकार देने को आश्वासन तैयार है कि वो व्यवस्था जो थी जो है वो आगे भी कायम रहेगी। तीसरी चीज की व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो वहां पर किसानों की समस्या हो सकती है तो उसके बारे में केंद्र सरकार इस बात को लेकर तैयार है कि वो राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। इसके अलावा किसानों की आशंकाओं की अगर बात कर लें तो पहली बड़ी आशंका जिसके बारे में किसानों को ये लगता है कि जो पूंजीपति जाएगा उनके ज़मीन पे कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर लेगा, उस स्ट्रक्चर को के आधार पे लोन ले लेगा, तो उसमें ये साफ कर दिया गया है कि कोई भी ऐसा लोन नहीं लिया जा सकता और ना ही उस स्ट्रक्चर को आप मॉर्गेज कर सकते हैं। मतलब ये कि किसान के ज़मीन के ऊपर जो संरचना खड़ी है वो किसान की होगी, ना कि किसी पूंजीपति की। तो जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण करने की कोशिश की गई है कि किसानों को ये डर नहीं होना चाहिए कि उनकी पूंजीपति कोई उनकी जमीन पर कोई स्ट्रक्चर खड़ा करके उस पर लोन ले लेगा, फिर वो गायब हो जाएगा और लोन का पैसा उनको चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा पराली के संबंध में ये बताया गया है कि किसानों की जो आशंकाएं हैं उसके बारे में दूर करने को सरकार तैयार है। और बिजली को लेकर किसानों को ये लगता है कि उनकी सब्सिडी खत्म हो जाएगी बिजली ऑर्डिनेंस के बाद, तो उस बारे में केंद्र सरकार ने ये कहना है कि बिजली की जो मौजूदा व्यवस्था है वही जारी रहेगी। मनीष, सरकार का जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, उसकी रूपरेखा सामने आ चुकी है, क्या क्या वो बिंदु हैं जिनको हाईलाइट किया गया है, अब इस पर किसानों का क्या कहना है? और जो ईवीएम मशीनों के साथ ये प्रधानमंत्री बना है, कल से कभी हमारी मांग उठेगी। मनीष, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सरकार ने अपना प्रपोजल भेज दिया है, क्या क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर बातें कही गई हैं, प्रस्ताव में मेंशन किया गया है, अब किसानों का क्या कहना है? देखिए, यहाँ पे बिल्कुल एक बात बिल्कुल क्लियर है कि सरकार ने जो संशोधन लिखित तौर पे भेजा है वो वेलकम स्टेप जरूर है, लेकिन उसके बाद भी तय होगा किसानों के बीच ही, तय आप लोग सब एक साथ करेंगे कि सरकार ने संशोधन के लिख के भेजा है MSP, APMC, पराली, बिजली, इन सभी के बारे में। देखिए, हमारी हिंदुस्तान अब पंजाब लेवल की नहीं, हिंदुस्तान लेवल की जो कमेटी बन चुकी है, उस कमेटी की सिंगू बॉर्डर पे मीटिंग चल रही है, अब इसका डिसीजन वो लेंगे। एक स्टेप तो वो आगे बढ़ गए, अब आप लोग भी एक स्टेप आगे बढ़ेंगे लगता है? बिल्कुल कोई स्टेप आगे नहीं बढ़े हैं, ये पहले से बात कर रहे थे कि MSP है या नहीं है,
कोई बात आगे नहीं बढ़ा है, बिल्कुल मसला अटका हुआ है, बिल रद्द होने चाहिए, इससे अलावा किसान और कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे। लिखित तौर पर आपको दे दिया है, अब किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि लिखित तौर पर दिया है, एमएसपी की बात कर रहे हैं, उसमें साथ में अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। सरकार बहुत लेट हो गई है, क्योंकि सरकार को चाहिए था जब ये बिल बने ही थे, पहले तो बनाने ही नहीं चाहिए थे, बिल बनने से पहले, अब जैसे हम मीटिंगें कर रहे हैं, अब 5-6 मीटिंगें किसानों के साथ कर ली, ये मीटिंग बनाने से पहले एक ही कर लेते, एक मीटिंग में इनके सुझाव ले लेते तो पास करते, मतलब किसानों की राय पहले ले लेते तो हो सकता है कि। देखिए मोदी जी से हमें रिक्वेस्ट है कि हमने आपको 2014 में बनाकर प्रधानमंत्री की सीट पर प्रधान बनाकर भेजा, और आपने आज तक जो फैसले लिए हैं किसी से सलाह मशवरा करके नहीं लिए। आपको लगता है कि अब जो सिंघू बॉर्डर पे होगा तय, उसी से वो इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली जो होगा वो सिंघू बॉर्डर से होगा, जो फैसला होगा वहां से ही किसान जथेबंदी, मतलब वार्ता और आंदोलन के बीच में अब ये तय हो जाएगा। खासतौर पे जिस तरीके से ड्राफ्टिंग आई है, लिखित तौर पर आई है, उसके बाद किसानों का बिल्कुल साफ तौर पे कहना है कि इस बिल को वापस लेना ही एक सोल्यूशन, आपको लगता है किसान यूनियन वापस बिल्कुल लेना ही सोल्यूशन, या फिर सरकार ने जो अमेंडमेंट के साथ ड्राफ्ट दिया है उस पर भी आप? रद्द होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, इट शुड बी बॉलेस, इसको काट देना चाहिए, इसके सिवा किसान नहीं बचेगा, अगर बचाना है किसान। क्या कहना चाहेंगे आप यहां इस ड्राफ्ट को लेकर? ये किसान के खिलाफ है, हमारी जमीनें अगर चली जाएंगी, अगर हमारे बीच से मीडिएटर नहीं हटेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? और आप ये देखिए कि एक और बात, बहुत गंभीर बात ये है कि दरअसल इसको लेके क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है, कि सरकार इस कानून के बारे में बताए, जो अमेंडमेंट दिया है उसके बारे में बताए, ताकि जो किसानों के बेसिक ग्राउंड लेवल जो आपत्तियां हैं किसानों को, उसको लेकर तो सरकार कह ही रही है, बदलाव की बात कही गई है, संशोधन इसीलिए किया जा रहा है। मनीष ये कह रहे हैं कि जमीन चले जाएगी, सरकार ने अपने प्रपोजल में यही तो बोला है, जमीन नहीं जाएगी, जमीन आपकी रहेगी, आप भी बता रहे थे पूंजीपति आपकी जमीन के मालिक नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल यही बात हमने इन सबको बताने की कोशिश भी की कि आपकी जमीन नहीं जा रही है कहीं से भी, अमेंडमेंट इस तरीके का है कि वो आपके हित का है, ऐसा सरकार बता रही है। आपने कहा जमीन नहीं जा रही है, इंसान के ऊपर कर्जा है, किसान के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, अगर उस कर्जे को नहीं निपटाता तो जमीन तो जा रही है ना, अगर मीडिएटर बीच में से परेशानी को लेकर सरकार ने अपने प्रपोजल में तमाम बातें कही है। देवेंद्र आप समझाइए, सरकार जब मानने को तैयार है वो बातें जिनको लेकर किसानों को आपत्ति थी, अब एक मुद्दा ये भी उठा कि जमीन जा रही है, तो सरकार तो कह रही है नहीं जाएगी, पूंजीपति आपकी जमीन के मालिक नहीं होंगे। और देखिए इसमें किसानों का जो प्रोटेस्ट है उसको दो हिस्से पे करके देखना चाहिए, एक तो बड़ा हिस्सा वो है जिस पर अभी हमारे रिपोर्टर बात कर रहे थे कि उनको पता ही नहीं है कि जमीन उनकी कहाँ चली जाएगी, अगर ये किसानों के ऊपर अधिकार है कि किसान कोई किसी से कॉन्टैक्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, ये ऐसा नहीं है कि आपको किसी पूंजीपति के साथ या किसी निवेश करने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही है, ये वॉलेंटियर है, स्वैच्छिक है कि अगर कोई किसान ये चाहता है कि किसी निवेश को आकर्षित करके अपनी ज़मीन में कोई और खेती कर सके और ज़्यादा प्रोडक्शन कुछ करा सके तो उस हालत में वो कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार है। इसकी एक स्ट्रक्चर व्यवस्था की गई है इस कानून के मार्फत, अगर वो किसान ऐसा नहीं चाहता तो वो बिल्कुल स्वतंत्र है कि जो काम वो कर रहा है वो वैसे ही करते रहे। दूसरी बात कि जो किसान ऐसा करेंगे और उनके अंदर जो डर था और उसमें बहुत सारे किसानों के बीच भ्रम फैलाया गया कि कोई पूंजीपति आएगा आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो आपको जमीन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर खड़ा करेगा, जैसे फूड प्रोसेसिंग में हम लोग देखते हैं, और उसके उस स्ट्रक्चर के आधार पर वो बैंक से लोन लेगा और एक बार पूंजीपति वहां से गायब हो जाएगा तो फिर बैंक का जो लोन है क्योंकि आपकी जमीन पर बनी हुई है इसलिए उसका पैसा आपको चुकाना पड़ेगा, उस ऋण का भुगतान को करना होगा। उसके बारे में सरकार ने साफ किया कि ये कानून में बकायदा प्रावधान ऑलरेडी है, इसमें किसी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, वो प्रावधान ऑलरेडी है कि कोई भी इस तरह की पार्टी जो जमीन पे स्ट्रक्चर खड़ा करेगी उस स्ट्रक्चर के आधार पर लोन नहीं ले सकती, ना ही उसे गिरवी रख सकती है, तो ऐसी स्थिति में किसान की अपनी जो पूंजी है वो उसी तरह से रहेगी जिस तरह से उसके पास है, उसमें उसका कोई नुकसान नहीं होना है। तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी यही रहेगी कि किस तरह से किसानों के इन भ्रम को दूर कर सके। जिन किसानों ने स्टैंड ले रखा है कि कानूनों को रद्द करना ही होगा उनको तो सरकार नहीं समझा सकती, लेकिन कम से कम जिनके अंदर भ्रम है, जिनके अंदर शंकाएं हैं, ऐसे स्पष्टीकरण के मार्फत सरकार उनको समझा पाए, ये निश्चित तौर पर सरकार चाह रही होगी। सरकार की बड़ी इच्छा यही है कि अगर इस आंदोलन की बात की जाए तो एकमत किसान नजर नहीं आ रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, ब्रेक के बाद सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी कुमार सोनू का जो सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है।